खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 5 सालों से पुरुषोत्तम लाल राम कुमार जैन चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा साई भंडारा का आयोजन होता आया है। 20 मार्च 2014 गुरुवार को खिचड़ी से प्रदीप जैन ने शुरुआत की थी। आज भी हर गुरुवार को वह खिचड़ी प्रसाद बांट भंडारा करते आ रहे हैं, पर साल में एक बार भव्य साई भंडारा करते हैं। प्रदीप जैन को साई बाबा ने सपने में आकर कहा था कि वह गुरुवार के दिन भंडारा करे और फिर क्या। प्रदीप जैन ने शुरुआत की और देखते ही देखते 5 साल हो गए। आपको बता दें कि पहले यहाँ साई मंदिर हुआ करता था, पर खैर इस भव्य साई भंडारा में 3000 से भी ज़्यादा लोगों ने प्रसाद लिया और सेवा के लिए समाज सेविका सुंदरी ठाकुर, गुजराती अभिनेता मिस यूनिवर्स एंजल तटारे, समाज सेवक आज कई महाभावी उपस्थित रहे। आइए आपको ले चलते साई के इस भव्य भंडारे में और हम भी ले आते हैं प्रसाद। ओम साई। सौभाग्य है कि प्रदीप पुरुषोत्तम लाल जी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया ना, फील वेरी हैप्पी। आई रियली वांट टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। ही इज डूइंग अ लॉट वेरी गुड फॉर द सोसाइटी ऑफ द पीपल एंड साई भंडारा को कंप्लीट करने के लिए 5 ईयर्स की शुभकामनाएं प्रदीप जी को। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर, थैंक यू सो मच। इन्होंने बुलाया मुझे, इन्होंने नहीं 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 फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम है, इन्होंने मुझे बुलाया था। फर्स्ट टाइम भी आई थी मैं लाइक फ्यू मंथ्स पहले एंड टुडे अगेन आई हैव कम बिकॉज ऑफ द 5 ईयर्स कंप्लीटिंग ऑफ साई भंडारा बाय प्रदीप जी। सो आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इतने लोग आ रहे हैं साई भंडारा का प्रसाद खा रहे हैं, आई फील वेरी हैप्पी कि प्रदीप जी ने इतना अच्छा सोसाइटी के लिए वो कर रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ, आई एम स्टैंडिंग बाय हिम, आई फील वेरी हैप्पी। ये मैं बाबा सपने में आए 13 मार्च 2014 में, जब मैं ICU में गया मैं, उस समय मुझे सपने में आए कि यहाँ पे जो मंदिर बना 25-40 साल से वो यहाँ पे मंदिर में कुछ पूजा नहीं हो रही, वो यहाँ पे मंदिर में क्यों नहीं हो रही है। वो मैं बाबा को उस समय बोला कि बाबा मैं अच्छा होने के बाद मैं यहाँ पे सबको खाना खिलाऊंगा। उसके बाद 20 मार्च 2014 से मैं यहाँ पे खाना चालू किया मैंने गुरुवार के दिन में, वो आज पूर्व शिष्यवन गुरुवार हो गया जो कि आज के दिन में 5 साल पूरा होने आया है। ये माया प्रसाद जो है मैं हर गुरुवार को जो खाना खिला रहा हूँ मैं टीचर ही खिला रहा हूँ मैं हर गुरुवार को, वो साल में एक बार उसका माया प्रसाद करूँगा, कम से 2000-3000 के आसपास खाना बनेगा प्रसाद बनेगा वो सबको खिला रहा हूँ। आज के दिन में 5 साल पूरा होने आया, आज मेरे हिसाब से 3500-4000 का खाना आज के हिसाब से प्रसाद होने आ रहा है। मेरे पास जुबान नहीं है इसके लिए, आज मैं बोलूँ कि सब दुनिया बोल रहे भगवान नहीं है, आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि भगवान सही में है। मुझे पैसा में मुझसे बहुत कुछ आइए, सब ये से आइए, ये मैं हिम्मत हारी नहीं। मुझे जो काम करना है, जो मुझे खाना प्रसाद खिलाना है, वो मैं खाना खिलाया वो प्रसाद खिलाया, वो हमेशा जब कर मैं KPC के मैं हमेशा प्रसाद खिला कर रहूँगा, मैं उसके मेरी जान भी चला जाएगा, मुझे उसमें परवाह नहीं है। जिनको मैंने बुलाया हुआ है, या आज का समय होली का भी समय, वैसे दिन का समय भी है, गोपाल जी भी आए हुए यहाँ पर, हमारे यहाँ के MP है गोपाल जी, वो आए यहाँ पर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आए हुए, उन्होंने आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया हुआ है, उनके आशीर्वाद में पूजा भी कराई। हमारे जो हमारे दोस्त है जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ जर्मन से यहाँ से, वो जो कि मेरे बोलने के ऊपर से यहाँ पे आई हुई है, इसके पहले यहाँ पे आई है 4 महीना पहले भी, आज मैंने इनको स्पेशल बुलाया, इंडिया के बाहर से बॉम्बे में यहाँ पे आई हुई है, तो अभी वापस 4 दिन के वापस अपने जर्मन में वापस जाने वाली है। मैंने देखा प्रदीप भाई का, मतलब ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत जिगर चाहिए होता है, क्योंकि मैं जो करती हूँ मुझे पता है इतना आसान नहीं है, और इतने सालों से वो कर रहे हैं तो मतलब सोचिए ना कि कितनी बड़ी कृपा उनके ऊपर है। वो ये नहीं कर रहे, वो करवा रहे हैं क्योंकि हमें जोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको यहाँ से हटा दिया गया है, तो उसके लिए कितने लोगों का पेट इससे भरता है, शायद वो क्या कहते होंगे इनके बारे में, खाना खाते समय कितना सुकून मिल रहा होगा और इनको कितनी दुआएं मिल रही होंगी। और बाबा की कृपा मैं कहती हूँ प्रदीप भाई पे हमेशा बनी रहे, वो हमेशा ऐसे ही करते रहे, हम उनका जो हमसे सपोर्ट होगा, हमारा उनको सहयोग चाहिए, हम बिल्कुल देंगे, और ऐसे इंसान
बहुत कम होते हैं जो आप देख रहे हैं फुटपाथ पे। मैं खुद सरप्राइज हो गई, मैं सोचा बहुत बड़ा कुछ मंदिर होगा और कुछ होगा, जब मैंने देखा मुझे लेके जा रहे, मैंने बोला कहाँ, तो बोला मंदिर, तो मैंने बोला मंदिर तो है ही नहीं, बोला टूट गया। तो मतलब यू नो ऐसे लोगों के लिए तो ऑलवेज हम भी प्रे करेंगे कि हमारा भी सौभाग्य है कि हमने इसमें आए और प्रसाद खाया और बाबा के दर्शन किए। तो विनोद पोदार, मैं यहीं पे सामने ही रहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि प्रदीप जी जैन जो आज 5 साल से ये जो भंडारा लगा रहे हैं, मतलब दिल से है ना लोगों को, मतलब जो एक होता है ना कभी कोई दिखावा नहीं कुछ नहीं, मैं तो इनको जब से देख रहा हूँ 5 साल से दिल से है ना, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, और इतनी पब्लिक यहाँ पर आकर इसका लाभ लेती है और मन से जो करते हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। आपका सहयोग कैसे रहेगा सर? मैंने इनको हमेशा से बोला है कि मेरे लायक जो भी काम हो कभी भी कोई भी, तो बिना संकोच आप है ना मेरे से जो भी हेल्प होगी, और आगे भी मैंने इनको बोला कि मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा, और इसी तरह अच्छे काम करते रहे और भगवान इनको बहुत बहुत साधुवाद दे, यही मेरी है भगवान से साईं बाबा से प्रार्थना रहेगी, और ऐसे ही अच्छे काम करते रहे यही मेरा मतलब है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये नेक काम 5 साल से कर रहे हैं माता जी, और इनको इतने आशीर्वाद मिलेंगे, इनकी सेहत जो ऐसी है ना ऐसे 100 साल तक रहेगी, ये देखना ये इनका कर्म का फल इनको मिलने वाला है। मैंने अपनी माँ की बहुत सेवा की और 1 साल ख़त्म हुआ, और संडे 31 को बहुत बड़ा फंक्शन है मेरे घर पे भी मम्मी के पीछे, आपको ज़रूर आना है उनके साथ में, ठीक है? बहुत बड़ा फंक्शन रखा हुआ है कांदीवली में अपने घर पे, और मुझे यहाँ आके बहुत ही सुकून मिला। मैंने जो सर्व किया पूरी गरम गरम दिए, लोग इतने प्यार से प्रसाद ले रहे, बहुत ही नेक काम है, इतना नेक काम है ऐसा तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत ही बढ़िया। मैं एक्चुअली कभी जल्दी कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन इनका जो भाव था आज पता नहीं क्यों उन्होंने बोला कि बस आप आ जाओ, और मैंने मेरा शूटिंग छोड़ के आ गया मैं। एक्चुअली ये भाव है इसका, ये असर है साईं बाबा, और ऐसे प्रोग्राम बहुत होने चाहिए। निरंतर प्रदीप पुरुषोत्तम लाल जैन जी ये प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, और लगातार हर गुरुवार को दोपहर में यहाँ ये भंडारे कार्यक्रम खिचड़ी का इनका निरंतर चलते आ रहा है। अब इसमें कहने के तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कहा, सबने तारीफ की, यहाँ क्षेत्र के लोग हो चाहे काफ़ी बाहर से भी कई लोग आए थे गणमान्य लोगों ने, हमारा तो यही मानना है कि यह सेवा जो है वो निरंतर करते रहें, उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहे हैं उसके बावजूद भी वो कभी रुके नहीं, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जीवन में आगे भी लगातार ये सेवा वो देते रहे और ये प्रसाद का कार्यक्रम करते रहे। हम लोग हर गुरुवार को यहाँ पर भंडारा करते हैं, और इस भंडारे को आज 5 साल पूरे हुए, और मैं 3 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ हर गरीबों के लिए। हम लोग, मैं, प्रदीप भाई और बाकी हमारी बहुत बड़ी टीम है, हम इसके लिए, हमें खुशी होती है कि हम गरीबों के लिए मेहनत कर रहे हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं और सबका आशीर्वाद मिलता है हम लोग को, हमें बड़ी खुशी है। और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप यहाँ आइए और खाना खाइए और साईं बाबा का आशीर्वाद लीजिए। काफ़ी कुछ 5 साल से भाई के साथ में यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों को, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको सबको प्रसाद मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। भगवान करे ऐसे ही 5 के 50 साल चलते रहे ये काम, और हम भी इसमें जुड़े रहे अपनी तरीके से। मैं लास्ट बैक 4 ईयर से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मतलब हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ हर बार, और मुझे बहुत ही खुशी होती है गरीबों की मदद करने में, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए।